नमस्ते दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल थिंग्स विद अमित में हार्दिक स्वागत। आज हम बात करेंगे आयुर्वेदिक मेडिसिन की जो कंपनी है, अगर आप उसको थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग में स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब आप मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, बाहर से लेके आएंगे, अगर आप ऐसा कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको क्या लगेगा। एक्चुअली कम इन्वेस्टमेंट में आपका खुद का ब्रांड अगर बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग थ्रू होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग इन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स आप कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखिए, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ें करनी है, किस तरीके से करनी है, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पहले एक नोटिफिकेशन देना चाहता हूँ, अन अकेडमी की तरफ से रीवैम्प रिवीजन सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। जो स्टूडेंट्स कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जो यूनिवर्सिटीज के होते हैं उनके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे DU एंड HCU, ये दो एग्जाम के लिए अन अकेडमी अभी प्रिपेयर कर रहा है। ये नई बैच स्टार्ट होने जा रही है जो DU और HCU के चार सब्जेक्ट यहाँ पे कवर करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो ये चार ही सब्जेक्ट 22 मार्च को ये सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। ये अन अकेडमी प्लस की तरफ से तो ये पेड सीरीज रहेगी एंड यहाँ पे आपको वेरियस टिक्स ट्रिप्स किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, कौन कौन से एग्जाम, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ज़्यादातर, कौन से टॉपिक से होते हैं और किस तरीके से आपको कम समय में प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो ओवरऑल आपको टॉप एजुकेटर जो अन अकेडमी के होते हैं उनकी तरफ से आपको यहाँ पे एक पूरा गाइडेंस मिल जाएगा जिससे आपकी प्रिपरेशन एकदम परफेक्ट हो जाएगी। तो इसके लिए आपको अन अकेडमी आप इंस्टॉल करना पड़ेगा और ये को इवन ई अन अकेडमी प्लस की तरफ से होगा, पेड होगा, लेकिन हमारा जो कोड है TBA10, ये अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट इस पर इमिडिएटली मिल जाएगा। स्टेप कंपनी का नाम फाइनल होना चाहिए। कंपनी का नाम किस तरीके से रखेंगे आप, एक तो हर्बल कंपनी आप बना रहे हैं उसमें आपको हर्बल लाइफ ये वर्ड आना चाहिए। हर्बल के लिए आप बना रहे हैं, एक तो आयुर्वेदिक हर्बल या जो भी रिलेटेड हो, तो वो प्रोडक्ट वो नाम आपके होने चाहिए। प्रोडक्ट्स के नाम भी ऐसे होने चाहिए कि आपके कंपनी के नाम उस कंपनी आपके प्रोडक्ट्स के लास्ट में होने चाहिए। समझ लीजिए आप मान रहे हैं हर्बल लाइव, ठीक है, तो उसमें आपका कौन सा भी शतावरी हर्बल लैब या फिर अश्वगंधा हर्बल लैब या फिर यो भी चूरन जो होते हैं या फिर काढ़ा होता है या फिर बहुत सारे फॉर्मुलेशंस होते हैं जो छोटे बड़े जो भी फॉर्मुलेशन हो, तो उसमें आपकी कंपनी का नाम लास्ट में आना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग आप बनाएंगे तो उसके लिए पहले कंपनी का नाम रजिस्टर होना चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए। इसमें जो डायरेक्टर, शेयर होल्डर, सेक्रेटरी, ये सारी चीज़ें आपको फाइनलाइज करनी है, वो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बना के दे देंगे। उसमें आपको GST नंबर आपको कंपलसरी रहेगा, फॉर्म रजिस्टर, GST नंबर, ड्रग लाइसेंस की जरूरत नहीं रहती आयुर्वेदिक अगर आप बना रहे, लेकिन अगर इसमें केमिकल इंक्लूड है तो डेफिनेटली यहाँ पे ड्रग लाइसेंस लगेगा, और अगर फूड प्रोडक्ट्स इंक्लूड है तो उसमें आपको ज़्यादातर लाइक आप हनी बना रहे हैं, जैसे फूड सप्लीमेंट्स भी कोई भी आइटम आप रख रहे हैं यहाँ पे आयुर्वेदिक में, तो आपको फूड लाइसेंस लगेगा। मोस्ट ऑफ द कंपनीज फूड लाइसेंस बना के लेती है क्योंकि फूड प्रोडक्ट से आयुर्वेदिक की एक अलाइंस सप्लीमेंट है जो जाती है, तो अगर आप फॉर्मुलेशन बढ़ाना चाहते हैं आगे जाके तो इसके लिए पहले से ही आपके पास वो लाइसेंसेस होने चाहिए, वो ज़रूरी है। तो ड्रग लाइसेंस और फूड लाइसेंस डिपेंड है आप पे, वो खर्चा करना है कि नहीं, लेकिन इनिशियल लेवल पे नहीं किया चलेगा, देन आफ्टर यू कैन गो फॉर दिस। ओके, तो ये कंपनी का नाम रख लिया, इसमें लाइसेंस मतलब जो डॉक्यूमेंट्स है वो मैंने बताया। अब कंपनी के प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट आपको डिफाइन करने हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट आप रख रहे हैं, फॉर्मुलेशंस इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, जो भी फॉर्मुलेशन आप रख रहे हैं तो वो फॉर्मुलेशन कौन कौन से प्रोडक्ट्स मार्केट में कौन से जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको रखने हैं। इससे क्या होगा कि आपके जो पहले से ही आपने जो सर्वे किया है उसके अकॉर्डिंगली आपको काम करने में आसानी आ जाएगी। मान लीजिए आपने आपके एरिया में अच्छी तरीके से सर्वे कर लिया, आपके डिस्ट्रिक्ट में कर लिया, और आपने रिटेल काउंटर में क्या क्या हो रहा है ये आपको पता है, कौन से डॉक्टर क्या लिख रहे हैं ये आपको पता है पहले से। अगर आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ऐसे काम कर रहे हैं तो बहुत ही फायदा होता है इस चीज़ों का, क्योंकि ऑलरेडी कॉन्टैक्ट सर्वे रहता है आपके पास। नहीं हो तो फिर भी एक हफ्ते पहले स्टार्ट कीजिए, आप डायरेक्टली बता सकते हैं आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कंपनीज के, नो इशू, आप बता सकते हैं कंपनी लॉन्च होने जा रही है, आपको ये प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो रिटेलर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रिटेल केमिस्ट प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट इंपॉर्टेंट है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप प्रोडक्ट मंगाइए,
प्रोडक्ट मंगाने में लगभग 15 दिन वगैरह लग सकते हैं आपको थर्ड पार्टी से। सो थर्ड पार्टी इजीली आप ढूंढ सकते हैं, इंटरनेट पे बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं। बहुत सारी कंपनी फ्रेंचाइजी बेच रही है, मतलब फ्रेंचाइजी जो मेडिसिन से वो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग थ्रू आपको दे रही है। तो क्वांटिटी क्या है ये आप पहले डिफाइन कीजिए, वो आप एक क्वांटिटी पूछे मिनिमम क्वांटिटी, और प्रोडक्ट वही रखिए जो जाते हैं, कम से कम 10 प्रोडक्ट आप रखिए। उससे आपकी कंपनी की क्या होती है, कंपनी के प्रोडक्ट जो जिस तरीके से आप कंपनी के प्रोडक्ट रखेंगे, 10 प्रोडक्ट्स आप रखेंगे तो उसके लिए आपको बहुत सारे डॉक्टर्स मिल जाएंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट आप डिफरेंट डिफरेंट अपने डिसीजेस इंडिकेशन के लिए रख रहे हैं, हर एक स्पेशलिटी कवर हो रही है। क्योंकि क्या होता है, अभी बहुत सारे लोग इवन MBBS डॉक्टर भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि कभी कभार लॉन्ग अगर कोई क्रोनिक डिसीज है जिस लाइक मेंटल इश्यूज रिगार्डिंग होते हैं, तो यहाँ पे आयुर्वेदिक ही ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि एलोपैथी के साइड इफेक्ट है सबको मालूम है। सो दैट इज़ वाई इस कैटेगरी में, ऐसी कैटेगरी में इवन इन डर्मेटोलॉजिस्ट आल्सो आयुर्वेदिक प्रेफर किया जाता है। इवन इन वुमेंस के मेंस्ट्रुअल इश्यूज रो होते वहाँ पे आयुर्वेदिक किया जाता है, एंटासिड आयुर्वेदिक किया जाता है। मतलब आज की डेट मैं आपका अपडेट दे रहा हूँ कि बहुत सारे डॉक्टर आयुर्वेदिक लिख रहे हैं, बिकॉज एंटासिड या जो भी मैंने अभी बताई इंडिकेशंस जो भी है उसके लिए अगर एलोपैथिक यूज़ होते हैं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल नहीं है, ड्रग रेजिस्टेंस का इश्यू आ सकता है। सो दैट इज़ वाई अगर पेशेंट को नहीं फर्क हो रहा तो आयुर्वेदिक ट्राई करते हैं। इवन ये अड़ूसा भी बहुत अच्छा जाता है कफ सिरप, तो ये तो काउंटर का भी ब्रांड हो सकता है। तो ऐसे इस तरीके से ब्रांड आप मंगा सकते हैं। आपने ब्रांड मंगा ली, अब बात क्या रहेगी, आपको रेट रिटेलर को कितना देने है, होलसेलर आप खुद करेंगे या होलसेलर रखेंगे। एक्चुअली इस पे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप खुद करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, पेमेंट्स का, डिलीवरी का, विजिट करने का। मतलब ये आपके नियर बाय लोकेशन में तो रिटेलर नहीं होंगे, कोई भी कहीं से भी ऑर्डर आ सकते। अगर आप होलसेलर को दे देंगे सो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि एक प्रोफेशनल वे से आप जा सकते हैं और यहाँ से होलसेलर के कनेक्शन भी ज़्यादा रहते हैं, तो उसकी मदद हो जाएगी। वो आपको काउंटर और भी बताएंगे जहाँ पे आयुर्वेदिक अच्छे तरीके से जा रहा है, ठीक है। तो ये आपने होलसेलर रख लिया, रेट आपको फाइनल करना है, 20% रिटेलर को, 10% होलसेलर को देना है। और बहुत सारे प्रोडक्ट जिसमें स्कीम अच्छी चल रही है, लाइक अड़ूसा की मैं अभी बता दूँ, 1+1 स्कीम जा रही है, बहुत बढ़िया मार्जिन है, 50% इवन 100% 120% भी कंपनी मार्जिन दे रही है, 1+2 भी दे रही है कभी कभार। तो आपको आप डिसाइड कीजिए आपके एरिया में क्या स्कीम चल रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मुलेशन में कितना मिल रहा है, आपको खुद 5-10% इन बिटवीन आपको रखना है यहाँ पे। तो इसके बाद आपको रेट तो फाइनलाइज कर लिया है, डिस्ट्रीब्यूटर भी रख लिया है, अब रिटेलर को भी आपकी मार्केटिंग टीम रखेंगे, मार्केटिंग से आप प्रोडक्ट्स आपको डॉक्टर को बताएंगे और उसके बाद प्रोडक्ट लिखेंगे। कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है, अगर आपका कंपनी की आपके कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छे जा रहा है तो आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर करना होगा। पहले ही करेंगे बहुत अच्छा है, नहीं किया कोई भी दिक्कत नहीं है, बाद में कर सकते, डिपेंड है आपके बजट पे, आप कम से कम बजट में कितनी स्टार्ट कर सकते। ये 5 लाख, 4 साल, 4 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, कितना भी डालेंगे आप, अकॉर्डिंगली आपके मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे और आपकी रेंज बढ़ेंगी, फॉर्मुलेशन बढ़ेंगे, डिज़ाइनिंग, मार्केटिंग प्लान, ये वो चीज़ें, LBL जो भी प्रमोशनल मटेरियल है उसको देने के लिए बहुत सारे आपको मटेरियल लगेंगे, तो उस पर खर्चा आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती है, तो इसके अकॉर्डिंगली आप स्टेप बाय स्टेप कीजिए और डेफिनेटली यहाँ पे सक्सेस मिलेगा अगर आप अच्छी स्ट्रैटेजी से जाएंगे तो। तो इसके लिए रिगार्डिंग मैंने ई बुक एक बनाई है स्पेशली यहाँ पे, ऑल सारे फॉर्मुलेशंस, ऑल सारे जो भी बिजनेस ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, तो वो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि ये एक बार आप लीजिए। यहाँ पे पूरी डिटेल में आपको गाइड किया जाएगा किस तरीके से आप बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो आपको डिप्रिशिएट करने में अच्छा रहेगा, अदरवाइज इफ यू आर गोइंग फॉर ओनली फॉर आयुर्वेदिक, देन आयुर्वेदिक में मैंने जो स्टेप बताया वो आप डेफिनेटली कीजिए, इससे आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना खुद के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का बिजनेस। तो वीडियो कैसा लगता है ये मुझे बताएं, वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, और हाँ ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। इससे क्या होगा कि नॉलेज बढ़ जाएगी, लोगों में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कम से कम में भी इन्वेस्टमेंट में आपका मेडिसिन का बिजनेस स्टार्ट हो सकता है आयुर्वेदिक का। तो ये स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो सक्सेस आपका। सो आई होप ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।